1987 के 50 एशियन पेंट्स की आज वैल्यू बोनस और डिविडेंड सब लेकर के 2 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू हो गई है। दादाजी, हमारे कुछ दोस्त लोग YouTube पे बोल रहे हैं कि दादाजी ने तो कहा कि हर्षद मेहता के समय आपने पैसा कमाया या इन्वेस्टर ने पैसा कमाया, पर हमने तो ये सुना है कि इन्वेस्टर ने लॉस किया। देखो भाई, बात यह है, हर्षद मेहता ने एकदम खुलेआम कहा कि जब मेरा जन्मदिन होगा उस दिन मैं ACC को 10,000 बिकवा दूंगा, और 100 रुपये का ACC था, तो हमने 100 रुपये से बाइक करना चालू किया। लोगों ने सब ने धीरे धीरे जहाँ जहाँ जिसने बाइक किया उसको हर एक को प्रॉफिट हुआ। अब 10,000 ACC हो गया, उसके बाद भी कोई नहीं बेचे और उसको नुकसान लगे तो उसका तो हर्षद मेहता की कोई गलती नहीं है। 90% लोगों ने कमाया, 10% लोगों ने नुकसान दिया। जो नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, उन्होंने नुकसान दिया। बाकी सब लोग 10,000 के अंदर बैठ के निकल गए थे। मतलब आप ये कह रहे हो उसने कभी झूठ नहीं बोला? झूठ नहीं बोला उसने, उसने सबको कमाई दी। उसने कह दिया ये 10,000 बिकेगा। केस मैं यहाँ तो बताऊँ आपको, राकेश झुंझुनवाला ने कमाया उस समय, अच्छा उस समय पैसा कमाया जा सकता मेहता के टाइम में, उसने सबसे अच्छा पैसा ये है। और भी बहुत से ऐसे ब्रोकर है, लेकिन मैं नहीं मानता 90% लोगों ने कमाया, 10% लोगों ने नुकसान खाया, तो इसका मतलब तो कमाया कमाए थे। ये आपका ओपिनियन है, सबका अलग हो सकता है। हाँ, वो दूसरा बात है, ओपिनियन अपना अलग हो सकता है, किसी का भी उसको अपन चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं, बट कमाया 90% लोगों ने है, ये बात सब खुश थे उस समय। अच्छा, तो आप भी, अपन भी उस समय ब्रोकिंग का काम कर रहे थे, तो आपने पहला बड़ा पैसा कब कमाया मार्केट में? सबसे अच्छा पैसा मैंने कमाया सिलटेप का एक इश्यू आया था, पब्लिक इश्यू IPO आया था, तो उसमें मैं सिलटेप में ITO में IPO में मैंने काम किया था, तो उसे मैंने कम से कम मैंने 20 लाख रुपए कमाए थे। लेकिन वो क्या हुआ कि पीछे वाली पार्टियाँ जो कमज़ोर पार्टियाँ थी वो सब पैसा देने से कि वो फेल होगी, तो करीबन 10 लाख रुपये उसमें मेरे नुकसान हो गया और मेरे को 10 लाख ही बचे, मेरा नेट प्रॉफिट 10 लाख हुआ। और ये कौन से सन की बात कर रहे हो? ये 1987 की बात कर रहा हूँ मैं, 87 में सिलटेप के इशू में। ये सिलटेप कौन सी कंपनी हुई? ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पेट्रो है ना, हाँ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, उसका ये एक भाग था, उसने नया अपना निकाला था सिलटेप उसने। अच्छा, सुप्रीम ने, तो उस सिलटेप में मैंने कमाया था। मतलब आप तेजी में थे? सिलटेप में तेजी में था, मैं अच्छी तेजी में था। सिलटेप खुला था 20 रुपया और 20 रुपये से सिलटेप का भाव हो गया था 115 रुपया। अच्छा, इतनी तेजी आई, लेकिन हमने पूरा पैसा, पूरी हम तेजी नहीं खास गए, हम तो 70-80-90 के आसपास में से बेच बात के निकल गए थे, लेकिन फिर भी लोग कई डिफॉल्टर हो गए, पैसे पेमेंट नहीं कर सके, उसके कारण से हमें ये डिफॉल्ट वाला पॉइंट समझाओ ना, हमारे कुछ समझेंगे नहीं इसको। डिफॉल्ट मतलब वो पैसे नहीं थे उनके पास में और उन्होंने, अपन उनके ब्रोकर थे, अपन ने उनके बिहाफ पे बाय किया था, उन्होंने आगे पे ही नहीं किया, पहले तो ऐसा काम चलता था, तो इसलिए वो घाटा लग गया उनको, तो इस तरह हो सकता है। बाकी और सिलटेप में मैंने अच्छा कमाया, सबसे अच्छा, सबसे पहला आपका ब्रेक यही मिला था, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा कमाई मैंने सिलटेप में की थी। अच्छा, हाँ, और मैंने शेयर रखने के अंदर में मैंने रखा था ये एशियन पेंट्स में बहुत कमाई की मैंने। एशियन पेंट्स मेरे एक दोस्त ने 50 शेयर लिए थे, कब, वो 1987 में। अच्छा, लेकर के ट्रांसफर में बेच दिए और संयोग से गुम हो गए शेयर, कोर्ट वहाँ पर, कोर्ट में केस किया, कुछ नहीं हुआ। आज उस शेयर की वैल्यू कम, कोर्ट लिख रहा है कि शेयर आपके हो गए, तो आज शेयर की वैल्यू 2 करोड़ रुपये है। अच्छा, 1987 के 50 एशियन पेंट्स की आज वैल्यू बोनस और डिविडेंड सब लेकर के 2 करोड़ रुपये उसकी वैल्यू हो गई है। अरे बाप रे, और वो तो उसके तो लॉटरी खुल गई, जिसकी आपके दोस्त की लॉटरी खुल गई। जो ये, हाँ, ये केस में थोड़ा सा और समझाता हूँ सबको। हाँ, हुआ ये था कि एक ऐसा इन्वेस्टर था जिसने 50 शेयर यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लिए और वो भूल गया लेके। आज उसको कुछ सदियों बाद मतलब 10-20 साल बाद उसकी नींद खुली, तो वो 50 शेयर की वैल्यू ऐसी हो गई कि वो करोड़पति हो गया आदमी। हाँ, अरे सुपर। तो जैसे हर्षद मेहता के समय कुछ लोगों ने कमा लिया, लेकिन केतन पारिक के समय क्यों नहीं कमा पाए? केतन पारिक ने क्या किया कि उसने एक हिमाचल फ्यूचरिंग इश्यू आया था, पब्लिक इश्यू, उसमें उसने काम किया, उसके सब शेयर वो खरीद रहा था, जहाँ भी जितने शेयर मिलते उस 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 2500 तक वो खरीदता रहा, और पब्लिक भी उसको बेचते रहे, पब्लिक लेकर के, पब्लिक देखिए बेचते, चलो पब्लिक ने बीच में उसे शेयर लिया। अब जब शेयर लिया, अचानक से केतन पारिक की जब पोल खुली कि उसको किस कारण से वो ला रहा है तेजी, पैसे कहाँ से ला रहा है, तो एक साथ शेयर टूटा, जिसमें हिमाचल पूछने को सबको नुकसान लगा जिन्होंने काम किया, और वो शेयर टूट करके आ गया सिर्फ 25 रुपये, 2500 से 2500 रुपये शेयर आ गया, तो पब्लिक को सब नुकसान लगेगा ही, कोई भी ऐसा नहीं था जो नुकसान से बचा हो हिमाचल फ्यूचरिंग में। इसलिए केतन पारिक ने किसी को कमाई नहीं दी,
केतन भाई से लोग खुश नहीं थे, पब्लिक खुश नहीं थी कोई भी। अच्छा, ये जनरल सेंटीमेंट था। अच्छा, और आपकी एच वाली थ्योरी तो बताओ दादाजी सबको, क्या कि वो पूरी सदी में, पूरे 100 साल में हमेशा एच की वजह से मंदी आई थी मार्केट में, इक्विटी से मार्केट में 100 सालों तक सिर्फ एच के कारण। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ शेयर मार्केट के अंदर में जो मंदी आई ना हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदुस्तान की राशि है एच, एच मतलब हिंदुस्तान। हाँ, इसके जो भी जब भी चार बार तेजी मंदी आई वो सब हिंदुस्तान से आई। 1955 में शेयर मार्केट में तेजी आई, उस समय एक हरिदास मुंद्रा था, वो बिड़ला जिससे टक्कर ले रहा था, वो मांगड़ से टक्कर ले रहा था, डालमिया से टक्कर ले रहा था, वो हरिदास मुंद्रा अचानक उसके जो उसका सब जो स्कैंड करता था, डुप्लीकेट शेयर छापता, डुप्लीकेट बॉन्ड छापता, डुप्लीकेट सब कर देता, वो सब पकड़ा गया और उस समय मार्केट में फिर वापस मंदी आ गई। 1955 हरिदास मुंद्रा एच, एच हरिदास मुंद्रा मीन्स एच। उसके बाद में फिर दूसरा एच आया, ये हिंदुजाज बंधु जो अपने इंग्लैंड में रहते हैं, इंडियंस NRI हिंदुजाज हिंदुजा बंधु, वो भी एच हुए। उन्होंने आकर क्या किया, इंडिया में आए 1982 में और इंदिरा गांधी का उसमें राज था, उन्होंने आते क्या किया, अरे DCM इतनी बड़ी फैक्ट्री 15 रुपये मिल रही है, खरीद लो साली को। जेके इतनी बड़ी फैक्ट्री और 12 रुपये मिल रही है, इसको भी खरीद लो। जो अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ थी उनके शेयर उन्होंने खरीदने चल रुके, मार्केट में तेजी आ गई, वो भी ऐसे कारण आई, वो हिंदुजा बंधु थे। लेकिन फिर यहाँ के जितने भी थे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सब इंदिरा के पास गए, उन्होंने कहा साहब किसी NRI को अगर फैक्ट्री बिठानी है तो नहीं बिठाओ, हमारी फैक्ट्री हम नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वो देख रहे थे कि DCM के पास 20% शेयर में वो अपनी फैक्ट्री पूरी मालिक बना बैठा था, 80% तो पब्लिक के पास शेयर थे, तो उसने 51% होल्डिंग खरीद कर ली। तो फिर इंदिरा ने फिर एक कानून निकाला कि कोई NRI फैक्ट्री खरीद नहीं सकता, नहीं फैक्ट्री बिठा सकता है, तो फिर वापस मार्केट उठा, वो भी एच के कारण हिंदुजा बंधु 1986 ये नहीं 1982 की बात है, ये 82 में। उसके बाद में आ गया 1991-1992 में हर्षद मेहता चला, वो भी एच उसके भी हिंदुस्तान एच, तो एच उससे तेजी जो तेजी लगा, चला 100 रुपये का ऐसे से 10,000 बिकाना कोई इजी बात नहीं है, और वो भी एच, और उसके कारण मंदी आई, क्योंकि उसने जो स्कैंड किया ना, वो जो बैंक में जो चेक काटता था फोर्स, और वो एक महीने बाद में जाके चेकों को पेमेंट करवा देता था, वो पकड़ा गया, लोग उसके पीछे पड़ गए थे, वो नहीं तो वो डूबता नहीं, उसके लोग पीछे पड़ गए थे उसके विरोधी उसके, तो इसलिए कारण उसके, और वह भी एच, तीसरा एच हो गया। फिर चौथा आया केतन पारिक के फादर्स जो मेन उसकी फार्म थी, उस वो फार्म है वो भी एच से शुरू होती है, हरकचंद एंड कंपनी, वो भी एच आ गया उसमें भी। तो चारों जगह इंडिया में जितने भी मार्केट टूटा बड़ा ना, वो एच के कारण हुआ। ये एच एक हिंदुस्तान के साथ, एच का साथ हमेशा आप ध्यान रखो, यदि कोई एच ज्यादा मार लेता है तो समझो कि एच चिल्लू बने वाला है मार्केट को। मतलब 1950 से लेके 2000 तक जितनी भी मंदी तेजी आई सारी एच के कारण आई।